Subscribe to Let's Learn and press the bell icon to never miss out any of our videos. हेलो दोस्तों, लेट्स लर्न के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को आज फिर स्वागत है। अगले दिन हम लोग बोले थे कि दो डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को आप 2 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग सीखेंगे 3 डिजिट के मल्टीपल को कैसे 2 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना है। जानने के लिए आगे देखते रहिए। देखिए दोस्तों, यह है आप लोगों के सामने एक एग्जांपल जो उसका गुना आप लोगों को 2 सेकंड के अंदर करना है। हम लोग जनरली इसको कैसे करते हैं, हम लोग जनरली इसको पहले 3 से करेंगे, फिर 4 से, फिर 2 से करके सबको ऐड करते हैं। वो हम लोगों को एकदम क्लास 1 से लेके सिखाया जाता है, मगर यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे। वो ट्रिक क्या है, पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोगों को ऊपर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फिर ऊपर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 5 स्टेप है, ये टोटल यहाँ पे 5 स्टेप्स है। इस 5 स्टेप्स के जरिए आप लोग 2 सेकंड के अंदर ही, ये जितना बड़ा आप लोगों को दिख रहा है 2 सेकंड के अंदर ही आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसका आंसर अब निकालते हैं। सो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को ऊपर गुना करना पड़ेगा। सो ऊपर गुना कीजिए, 3 4 12, कैरी कितना, 1 कैरी। ओके, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ना पड़ेगा, 3 3 9, 4 4 16, 16 and 9, 25 and 1, 26, कैरी कितना, 2। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, देन आपको जुड़ना पड़ेगा। क्रॉस किसके साथ किसका होगा, 3 के साथ 1 का और 2 के साथ 4 का, ठीक है। तो 3 के साथ 1 का, 3 3 1 3 और 2 के साथ 4 का, 2 4 8, 3 and 8, 11 एंड दिस इज 11। ओके, देन आपको क्या करना पड़ेगा, देन आपको करना पड़ेगा ऊपर नीचे, 3 4 12, तो कितना हुआ, 3 4 8, 3 1 3 एंड 3 4 12, मतलब 11 और 12, 8 3 11 और 12 हो गया आपका 23। और यहाँ पे जो कैरी 2 था वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, मतलब 25। अब कैरी कितना हुआ, फिर 2। उसके बाद का स्टेप क्या है, उसके बाद का स्टेप है फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जुड़ना पड़ेगा, किसके साथ किसका, 4 के साथ 1 का और 2 के साथ 3 का। सो 4 1 4 एंड 2 3 6, 6 4 10, 6 4 10 एंड दिस 2, दिस इज 12, कैरी कितना, 1, अगेन 1 कैरी। सो 2 1 2 एंड 1 3, आपका आंसर आ गया। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे और एक एग्जांपल है, इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप हम कैसे करते हैं आप देखिए। देखिए 9 4 45, कैरी 4, 4 9 36, 5 1 5 36, 41 एंड 4 5, अगेन कैरी 4, 9 2 18, 5 1 5 23, 4 1 4 27 एंड 4 31, कैरी 3, 2 1 2, 4 1 4, 2 and 4 6 एंड 3 9, नो कैरी, 2 1 2, हो गया आपका आंसर। कैसे हम कैसे करें आप आपको बताते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, देखिए पहले क्या करना है, पहले 9 को 5 से गुना करना है, 9 5 45, कैरी 4, फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जुड़ना है, 4 9 36, 5 1 5, 5 and 36, 41 एंड कैरी 4, 45, राइट 5 हियर, कैरी 4 अगेन, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन, देन ऐड, 9 2 18, 5 1 5, 4 1 4, सो 18, 5 1 5, 23, 4 1 4, 27 एंड 4 31, राइट 1, कैरी 3। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जुड़ना होगा,
2 1s are 2, 4 1s are 4, 2 4 6 3 9. No carry, 2 1s are 2. आपका आंसर आ गया. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम समय पे आप ये कर सकेंगे. दोस्तों, हम लोग ने पिछले वीडियो पे 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक हम लोग बताए थे, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का और लड़कों का कमेंट आया था कि 98 और 97 की मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे. तो हम आज बता दे रहे हैं कि 98 इंटू 97 की मल्टीप्लिकेशन आप लोग उस ट्रिक के जरिए कैसे करें. आप लोग को पहले क्या बोले थे, पहले ऊपर कुन करना पड़ेगा. 7 8 56 कैरी 5. नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, मतलब 7 9 जा 63 8 9 जा 72, उसको ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 5 एंड 13, और ये कैरी 5 भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे. सो 140, राइट 0 हियर एंड कैरी इज 14. सो हमारे पास कैरी कितना हो गया, 14 यहाँ पे कैरी. ठीक है, अब ऊपर 9 9 81 एंड कैरी का 14, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9. सो आंसर हो जाएगा 9506. ये आपका आंसर हो जाएगा 9506. दोस्तों, आप लोग हम लोगों का वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके और ज्यादा कमेंट कीजिए. थैंक यू दोस्तों. Thank you.